नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके सभी पालतू परिंदे एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं किसी की कमेंट पे यह वीडियो नहीं बना रहा हूं, यह वीडियो मैं पर्सनली अपने घर के कबूतरों की डीवॉर्मिंग कहूँगा, इंटरनल डीवॉर्मिंग, बोले तो पेट के कीड़ों की दवाई दूंगा मैं अपने कबूतरों को। वैसे इसमें आमतौर पर एक दवाई जो नॉर्मल डोज है उसमें हम एल्बो मार देते हैं, मैं आपको दिखा दूं, एल्बो मार जो कि हम 100% लोग इसी को यूज़ करते हैं और मैं दो गोलियां और भी यूज़ करता हूं जो कि 40 कबूतर की क्वांटिटी पे एक गोली, जैसे डोंटर प्लस है और एक और टेबलेट है जो कि 40 कबूतर पे एक गोली देनी पड़ती है और सेम तरीका है। तो भाई ये दवाई देने के लिए, जैसे आप कबूतरों को ये दवाई दें तो शाम को आप LEW-52 दें कबूतरों को, एक दो दिन पहले से LEW-52 देना शुरू कर दें। जैसे आप शाम को LEW-52 देंगे, सुबह LEW-52 देंगे, फिर शाम को फिर LEW-52 देंगे, उसके बाद में कबूतरों को सुबह के लिए दाना खाने के लिए आप निकालेंगे दूसरे दिन, तो दाना न दें। आपको ये दवाई कैसे देनी है अब मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें किचन में चलना होगा, क्योंकि हमें थोड़ा पानी गर्म करके उसमें शक्कर मिक्स करनी पड़ेगी। अब ये इसका क्या फंडा है मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, कि जब आप शक्कर के पानी के साथ में ये दवाई दोगे, या गुड़ का पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो गुड़ या शक्कर मीठी होती है, तो ये मीठेपन से जो इनके पेट में कीड़े हैं, कबूतर ने जैसे ही दाना वाना खाया तो कीड़े ना एट्रेक्टिव होते हैं उनके पेट की तरफ, दौड़े चले आते हैं। बाकी जब मीठा पानी पियेंगे खाली पेट तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो आएंगे पेट में, और जहाँ पानी आया मीठा पानी वो उसको पीने लगेंगे और ये दवाई का असर 100% होगा। तो भाई मैं जो दो टेबलेट है आपको बाद में बताऊँगा उसका, आज मैं ये दवाई दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी मेरे पास अवेलेबल है और ये 3 महीने। तो दोस्तों, हमने किचन से पानी गर्म करके उसमें शक्कर मिक्स करके ले आए हैं। अब हम आ गए हैं वापस अपने कबूतरों के पास और कबूतर देख लीजिए भूखे हैं, प्यासे हैं, तो उनको अब ये दवाई दे के मैं दिखाता हूँ। चलो, हाँ आप पास से देखिए, चलो भगवान एकदम पास में आ जाओगे। तो दोस्तों, इसकी आपको प्राइस दिखा दूँ, 39 रुपये 50 पैसे की दवाई आती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। अब ये दवाई की बात करें, इसको आप अच्छे से चेक कर लें, मिला लें, और ये दवाई 30 ml की है, तो 2 लीटर पानी में आपको 12 से 13 ml ही डालना है, तो ये अपन आधी दवाई से थोड़ा कम डालेंगे। ये आप देख लीजिए, ये मेरी दवाई डल चुकी है आधी से थोड़ा कम। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा, ये इसका कलर व्हाइट सा हो गया है और आप देख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मेरे सारे कबूतर अभी प्यासे थे और पानी पी रहे हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूँ, आओ आओ, कि दोस्तों इसको ना आप बच्चे वालों को भी पिला सकते हैं, अंडे वालों को भी, उड़ान वालों को भी, सभी को ये दवाई आपको पिलाना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सभी, ये बच्चा ही है अभी, वैसे पट्ठा है, कोई दिक्कत नहीं, सभी पियेंगे और ये बच्चों को भी भरेंगे तो इसी पानी से, और ये पेट भर के ये पानी पी ले उसके बाद ही आपको दाना डालना है। लोग बोलते हैं कि थोड़ा भूखा रखें 1-2 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप हर एक कबूतर को सिरिंज की सहायता से 20 से 25 ml दवाई पिला सकते हैं पकड़ पकड़ के, और ये रख दिया तो उनके हिसाब से जितना लगेगा उतना पहले वो पी लेंगे, उसके बाद आप दाना डाल दें। तो अभी पहले अपन इनको सभी को एक एक से पानी पी लेने देते हैं ये दवाई वाला, और उसके बाद अपन दाना डालेंगे। तो अभी आधे कबूतरों ने पिया है, हा।
तो हम लोगों ने दोस्तों ये दवाई पिला दी है, और इसका आप अगर रेगुलर कोर्स करते हो तो आपके कबूतरों में कहीं से कहीं तक पेट की समस्या नहीं आएगी, ना पतली बीट करेंगे, ना पीली बीट, ना हरी बीट, क्योंकि ये कबूतर जब पेट में रहते हैं तो पेट के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। आपके कबूतर को अगर आप उड़ान में बाजी में तैयार कर रहे हैं और आप अगर बाजी में उड़ा रहे हैं और उसके पेट में जो कीड़े हैं तो उसको चैन नहीं पड़ने देंगे। जैसे हमारे सर में दर्द या पेट में दर्द होता है, ऐसे ही ये कीड़े इनको भी परेशान करते हैं। अगर कबूतर ने कम दाना खाया तो वो कबूतर को अंदर ही अंदर काटने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कबूतर सुस्त होकर बैठता है। और अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए आपके कबूतर के पेट में, तो इसमें क्या होता है कि ये वायरस में चला जाएगा और धीरे धीरे लकवे में भी चला जाएगा। तो आपके कबूतर के पेट के कीड़े निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे ही आप इसको टाइम टू टाइम देते रहेंगे अपने कबूतरों को, तो आपके कबूतर के पेट में कभी कीड़े नहीं होंगे। और कीड़े जो भी खाया पिया, आप दाना कितना अच्छा भी डाल दो, सतरंगी दाना डाल दो, महंगा से महंगा काजू बादाम भी खिला दो, पिस्ता खिला दो, जब तक कीड़े उनके पेट में मौजूद रहेंगे तो ये कीड़े उनको कभी पनपने नहीं देंगे, उनको हेल्दी नहीं रहने देंगे, वो शरीर में किसी भी चीज़ को लगने नहीं देंगे, कोई भी विटामिन प्रोटीन हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपके सामने एल्बोमार दवाई दी है, और अपने कबूतरों के बच्चे भी हैं, अभी दाना खा लेंगे तो वो कबूतरों के बच्चों को, अपने बच्चों को भी भरेंगे, और इस दवाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे वालों को भी आप पिला दें। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिया करें, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।